विश्व डांस डे पर ऑरेंज सिटी वासियों के लिए मोर भवन में आयोजित नव भारत डांस मैराथन जैसे महा आयोजन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का आगाज सुबह 8 बजे से किया गया। इंटरनेशनल डांस डे के मौके पर ऑरेंज सिटी वासियों के लिए मोर भवन में आयोजित नव भारत डांस मैराथन जैसे महा आयोजन का आगाज डांस धमाल और मस्ती के साथ सुबह 8 बजे हुआ। इसमें शहर के बच्चे, युवा सहित हर उम्र के लोगों ने डीजे की धुन पर नॉनस्टॉप 12 घंटे तक थिरकते हुए नजर आए। कभी वेस्टर्न तो कभी इंडियन तो कभी पॉप रॉक्स फ्यूजन की धुन पर युवाओं का जोशीला अंदाज नजर आया। तपती धूप भी उनका उत्साह कम नहीं कर पाई। मैराथन में लोगों के जोश के सामने कब रात के 8 बज गए पता ही नहीं चला। इसके बावजूद भी लोगों का उत्साह कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शहर के 12 डांस गुरुओं ने सिग्नेचर स्टेप के साथ युवाओं के साथ जमकर धमाल मचाया। मैराथन में हिस्सा लेने आए हर एक ने इसकी जमकर तारीफ की। बच्चे और युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्गों ने भी इस कार्यक्रम का खूब लुत्फ़ उठाया। कार्यक्रम में शहर की कई प्रमुख हस्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस कार्यक्रम की सराहना की। नव भारत डांस मैराथन में आए लोग बस झूम ही रहे थे, मस्ती कर रहे थे और जोश के साथ ही साथ अपने स्टेप्स भी दिखा रहे थे। मूड था, मस्ती थी, डांस थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे और फिर महिला, सभी अपने अपने साथीदारों के साथ कार्यक्रम का लुत्फ उठाते दिखे। तन मन दिमाग की शांति का एक अनोखा मंजर इस दौरान देखने को मिल रहा था। लगातार लोगों ने 12 घंटे का परफॉर्मेंस दिया जिसमें 12 कोरियोग्राफर का भी शानदार और जानदार योगदान रहा। उन्होंने न किसी को थकने दिया न ही रुकने दिया। झांसी रानी चौक स्थित विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन मोर भवन में आयोजित कार्यक्रम को लेकर उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि युवक युवतियां सुबह 8 बजे से ही पहुंच चुके थे। उद्घाटन होते ही मंच पर पहुंच गए और इस प्रकार जर्नी शुरू हुई तो रात 8 बजे के बाद ही रुकी। एनबीसी न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।